और मुझे कभी मैं इस बेड पे, कभी मैं इस सोफे पे, कभी मैं उस सोफे पे, या कभी बाहर सहन में, कभी हाल में, कभी कहीं, मैं घर के हर एक कोने में जाती थी कि किसी कोने में मुझे ना सुकून मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो है वो तबीयत कुछ बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह से। मैंने सोचा कि मैं आज ब्लॉग भी जो है वो स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि आप लोग काफ़ी सारे, आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं की मेरे लिए। अल्लाह का शुक्र है कि आप सबकी दुआओं से जो है मैं बहुत ज़्यादा बेहतर फील कर रही हूँ। तो खैर, आज का व्लॉग भी मैं स्टार्ट करती हूँ और उसके साथ साथ मैं सारा बताऊँगी कि मेरे साथ क्या हुआ था। पूरा घर बीमार, जैसा कि आपने स्टार्ट में देखा कि सबकी तबीयत जो है वो ख़राब हो रही थी, सब बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे थे। और अल्लाह का शुक्र है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स थे, इसके अलावा जो मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट लगाई थी जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं की, तो वो भी मैं सबके नाम लेने वाली हूँ। तो खैर, जब मेरी, जिस दिन मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, उस दिन से अपना व्लॉग जो है वो मैं स्टार्ट आपको बताऊँगी। रबी हुसैन माशाल्लाह से ये भी काफ़ी बेहतर है, इसकी आँखें बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो माशाल्लाह से हुसैन जो है ना वो ठीक है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं सारे ही, मोहम्मद बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, क्योंकि मैं केयर बिल्कुल नहीं कर पाई थी इन दिनों में। मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मैं बिल्कुल भी, जिसे कहते हैं ना कि ना बच्चों पे, ना घर पे, किसी चीज़ पे भी मैं ध्यान नहीं दे पाई थी। तो मैंने यहाँ से व्लॉग अपना स्टार्ट किया था, जिस दिन मेरी तबीयत ख़राब होनी थी, उससे पहले का ये मेरा व्लॉग जब मैंने स्टार्ट किया है। तो मैं शामी बनाने लगी थी, साथ में जो है वो बीफ यखनी पुलाव बनाने लगी थी। तो यहाँ पे गैस जब चेक की तो गैस नहीं आ रही थी आज, इत्तफाकन गैस जो थी ना वो आज चली गई हुई थी। तो खैर, मैंने फिर ये चीज़ें डालकर मैंने सोचा कि चलो रख देती हूँ, जैसे ही गैस आएगी तो फिर ऑन कर देती हूँ। खैर, काफ़ी टाइम लगा दिया गैस से आने में, अभी जैसा कि आपको रोशनी दिख रही है। और जब दोबारा गैस आई तो यहाँ पर मैंने चढ़ाया और आप देख सकते हैं बाहर अंधेरा हो गया हुआ था। तो मेरी नंद भी आज आई हुई थी, तो मैंने कहा कि चलो आज शामी बना लेती हूँ जल्दी से और बीफ यखनी पुलाव बनाती हूँ। तो बस अभी एक साइड पे मैंने जो है वो गोश्त चढ़ाया, जिसमें मैंने अदरक लहसुन और एक प्याज नॉर्मल साइज़ की डाल दी थी। इसके अलावा थोड़ा सा जो खड़े मसाले होते हैं ना वो मैंने इसमें डाल दिए थे। यहाँ पे ये शामी जो मसाला रखा हुआ था, जिसमें मैंने दाल और गोश्त डाला था, साथ में मैंने शामी मसाले का एक पैकेट डाल दिया था बस। इसके अलावा मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला था, क्योंकि बहुत कम मसाला था, तो इसलिए मुझे ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ मसाले डालने की ज़रूरत नहीं थी इसमें ना। तो ये देखिए, यहाँ पर बस दाल भी गल गई थी बहुत जल्दी, क्योंकि काफ़ी देर से मैंने भिगोई हुई थी तो गैस नहीं आ रही थी, तो जल्दी गल गई थी। तो दूसरी साइड पे गोश्त भी बस हमारा ऑलमोस्ट गल गया था, मैंने उसको थोड़ा चेक किया तो वो हो गया हुआ था। मैंने फटाफट से दूसरी साइड पे प्याज रखे। और जब मेरी तबीयत ठीक थी तो मैं सोच रही थी कि देखें, अभी जैसे मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ, तो मैं इतने दिन इतनी ज़्यादा बीमार रही हूँ। आपने जब मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा, शादी के बाद मेरा सिर्फ एक ही व्लॉग आया था, तो उसके बाद मेरी तबीयत सिर्फ एक दिन मैं ठीक रही हूँ शादी के बाद ना, तो उसके अगले दिन ही जो है ना वो मेरी तबीयत एकदम से इतनी कोई ख़राब हुई थी, इतनी ख़राब हुई थी। और वाकई में जो नज़रें बद होती है ये बिल्कुल जो है वो पहले मैं कहती थी कि नहीं यार नज़र नहीं लगती या ये वो, आप लोग अक्सर काफ़ी सारे कमेंट्स करते थे नोरीन माशाल्लाह ज़रूर लिखा करें या फिर बच्चों को कम दिखाया करें, ये वो सब चीज़ें आप लोग काफ़ी सारी करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कहूँगी कि आप लोगों में से किसी की नज़र लगी है, नज़र भी देखें प्यार से भी लग जाती है इंसान को, वैसे किसी की अच्छी होती है, किसी की बुरी होती है, मतलब हर तरीके से हर कोई देख रहा होता है। तो है, जब फैमिली में, ख़ानदान में शादी वगैरह होती है तो वहाँ पे हर तरह से हर कोई देखता है। तो बस आप सोचेंगे कि नोरीना आपकी तबीयत ख़राब थी तो आपको ऐसा कैसे लगा कि आपको नज़रें बद था या कुछ भी इस तरह से ना, तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे साथ साथ आप देख ही रहे हैं कि मैं बीफ यखनी पुलाव बना रही थी, बहुत मज़े का बना था, फुल रेसिपी देना चाह रही थी मैं इसकी आपको। और उस दिन से, बल्कि ये मैंने ब्लॉग रखा हुआ भी इसीलिए था कि मैंने कहा कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बहुत ही मज़े का बना था, सिंपल मैंने सिर्फ प्याज लाइट से ब्राउन किए थे, इसमें मैंने गोश्त डाल दिया, अदरक लहसुन तो ऑलरेडी डला हुआ था ना उसमें, तो वो मैंने इसमें नहीं डाला था। बाकी मैंने इसमें थोड़ा सा बिरयानी मसाला डाला, पिसा हुआ सूखा धनिया डाला, टमाटर, हरी मिर्चें वगैरह डाल दी थी, और साथ में मैंने थोड़ा सा सूखा धनिया और कुटी हुई लाल मिर्चें ये डाली थी बिरयानी मसाला बस। और इसके अलावा, बल्कि मैं जब ये मसाला भून ही रही थी तो मैंने कहा, अपने फटाफट से हसन को बोला कि कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैं इसमें क्यों ना डाल दूँ। तो यहाँ पर मैंने मोटे मोटे से ना, मैंने वो जो जिससे हम चटनी वगैरह बनाते हैं ना, उसी डंडे के साथ मैंने इसको
जल्दी से कूट लिया था। काजू थे, बादाम थे, साथ में किशमिश थी, बस ये चीज़ें मैंने डाल दी थी इसमें। मैंने कहा कि ये बहुत मज़े की लगेंगी। तो यखनी का जो है वो तकरीबन डेढ़ मग ही हुआ था, बाकी मैंने सादा सिंपल पानी डाला था चावलों में, जैसे चावलों के हिसाब से पानी डाला जाता है। तो बस वो मैंने सारी चीज़ें डालकर अब मैं इसे रख दी है, और अब जैसे ये हो जाएगा तो फिर इसमें चावल वगैरह ऐड कर देंगे। दूसरी साइड पर जो मैंने शामी मसाला रेडी किया हुआ था, बच्चों को मैंने कहा कि आप इधर सारे, माशाल्लाह से आप लोग देख रहे हैं इस व्लॉग में कि बिल्कुल ठीक थे शादी से, ये एक दिन बाद का मेरा व्लॉग था, तो मतलब सब ठीक थे घर में, कोई ऐसा लग ही नहीं रहा था कि एकदम से सब बिस्तर पे पड़ जाएंगे। अयान बीमार हो गया बहुत ज़्यादा, हुसैन बीमार हो गया, मोहम्मद 2-3 दफ़ा बेड से गिर गया, उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई, आसिफ बीमार हो गए, मैं बीमार हो गई, और मुझे जो फील हुआ था कि मुझे, जैसे मैंने आपको कहा है कि मुझे नज़रें बद लग रहा था, वो फर्स्ट टाइम मुझे ऐसे फील हुआ था। असल में मेरी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, यहाँ से मुझे दर्द उठता था और फिर वो दर्द पूरे जिस्म में फैलता था, और उसके बाद मुझे एकदम से इतनी कुछ सर्दी लगती थी, सर्दी के बाद मुझे एकदम तेज़ बुखार हो जाता था, वो 104 और एक दिन तो 105 पे वो पहुँच गया था बुखार मेरा। तो खैर जैसे ही फिर फ़ौरन से हॉस्पिटल जाते थे, वहाँ ड्रिप्स लगती थी, तो बुखार तो फ़ौरन उसी टाइम पर नॉर्मल हो जाता था, लेकिन जो मेरी रीढ़ की हड्डी का पेन था ना वो नहीं था। मैं डॉक्टर्स के पास भी जब जाती थी मैं उनको एक ही बात करती थी कि मेरी रीढ़ की हड्डी में बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो खैर वो कहते थे वीकनेस है, कमज़ोरी है, इस वजह से इस तरह करके कह रहे थे। तो तकरीबन 5वां या 6ठा रोज़ था, तो उस दिन मैंने सुबह के टाइम पे, क्योंकि सारी रात मैं नहीं सोती थी, मेरी हालत बहुत ख़राब रहती थी, मुझे बहुत तेज़ बुखार हो जाता था, और सेम इसी तरह यान के साथ हो रहा था, यान को भी एकदम तेज़ बुखार हो जाता था, और मैं और वो तो सारी रात इस तरह से, हम लोग क्योंकि अंदर एसी लगे हुए होते थे और एसी में हम बैठ नहीं सकते थे, सर्दी बहुत ज़्यादा लगती थी, मैं और वो दोनों हम हाल में बैठे रहते थे सारी रात ना। तो खैर मैंने एक दिन जैसे सुबह में 5वें या 6ठा रोज़ था, तो मैंने हसीब को बोला, हसीब तुम मस्जिद में फ़ौरन से जाओ और कारी साहब से ना मुझे पानी दम करवा के लाओ। हालाँकि आसिफ ने मुझे घर में दम भी किया, पानी भी दिया, इसके अलावा जैसे कि वो सदका वगैरह जो भी था वो सब कुछ करते रहे, हम नज़र वगैरह भी उतारी, सब कुछ किया, लेकिन जिस दिन हसीब पानी वहाँ से दम करवा के लेकर आया, वो मैंने जस्ट पानी पिया था, एक ही दिन वो पानी पिया है, अब लीव करेंगे कि शाम तक मेरी जो रीढ़ की हड्डी की दर्द थी ना वो ख़त्म हो गई थी। उसके अलावा जब मुझे बुखार हो रहा था ना 104, मुझे उस बुखार का भी पता ही नहीं चल रहा था कि मुझे 104 बुखार है, जब मैं डॉक्टर के पास जैसे जाती थी चेक करवाते थे तो जब पता चलता था कि 104 बुखार है, अदरवाइज मेरी जैसे ना उस पानी पीने की वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा सुकून मिल गया था, एकदम से ऐसे लग रहा था कि मुझे जो आहिस्ता आहिस्ता मेरी जो तकलीफ़ है वो कम होने लगी है। लेकिन जाहिर सी बात है, जैसा कि आपको पता है कि 104 बुखार कम नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से मेरी काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी, बिल्कुल मेरा मोबाइल भी मैं जब उठाती थी तो मुझे इस तरह लगता था कि मैंने 10 किलो का कोई चीज़ उठाई हुई है। तो कोई भी चीज़ बिल्कुल भी, मैं ऐसे जैसे मुझे अपना घर ऐसे अजीब सा लगने लग गया, मुझे बच्चे ऐसे, मैंने मोहम्मद को नहीं उठाया 10 दिन, यकीन करें 10 दिन के बाद जब मैंने मोहम्मद को उठाया तो मुझे मोहम्मद इतना वीक लग रहा था, एकदम से बहुत कमज़ोर लगने लग गया, और बच्चे सब जब मैं देख रही थी तो मुझे सब चीज़ें अजीब, जैसे मैं 10 दिन ना बिल्कुल ऐसे था कि मैं होश में भी थी और नहीं भी थी, मतलब इस तरह से मेरे साथ ये वक्त गुजरा था, बहुत ही बुरे हालात थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने खैर खैरियत से जो है वो साथ दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे भी बेहतर हैं। अयान थोड़ा सा जो है वो थोड़ी ज़्यादा तकलीफ़ में रहा मुझसे ज़्यादा, और अभी तक जो है वो बस स्टिल उसकी जो है वो कोर्स वगैरह चल रहा है, जो भी था मेडिसिन वगैरह उसको दे रहे हैं, तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह वो भी 1-2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो बाकी अल्लाह का शुक्र है कि सब घर वाले बिल्कुल ठीक हो गए थे, और आप लोगों ने बहुत सारी दुआएं की, मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट लगाई थी, उन सबका मुझे आज नाम भी लेना है इंशाल्लाह, और बस आप लोग दुआएँ करते रहा करें, क्योंकि व्लॉगिंग तो आपको पता है कि मेरा शौक है, मैंने बहुत मेहनत की है और मेहनत करके मैं इस चैनल को यहाँ तक लेकर आई थी, लेकिन इन दिनों में मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी, बिल्कुल ताकत नहीं थी कि मैं यकीन करें कि कुछ भी कर पाऊँगी। तो बस खैर अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह से मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बोल सकती हूँ ठीक तरह से, मोबाइल पकड़ सकती हूँ मैं, व्लॉग्स वगैरह सब चीज़ें इंशाल्लाह मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे आपके साथ अच्छे अच्छे व्लॉग्स भी शेयर करने की कोशिश करूँगी। तो बस आप लोगों ने हमेशा दुआएँ करते रहना है। मुझे अब पता चला है कि जो मेरी बहनें मुझे कमेंट्स करती थी वो बिल्कुल ठीक करती थी कि उन्होंने इन बच्चों को कम लेकर आया करें व्लॉग्स में, या फिर माशाल्लाह ज़रूर लिखा करें, ये चीज़ ना दिखाएँ, ये ना दिखाएँ। यकीन करें कि मैं बता नहीं सकती आपको कि मेरे साथ क्या हुआ है और किस तरह से हम लोगों ने ये सारा टाइम गुजारा है। बस आप सबकी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, जो कि आप सबने दुआएं की, मेरी अम्मी आई हैं
इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में वो भी देखने को मिलेगा। मेरी अम्मी ने मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ पढ़ के पानी पीने के लिए दिया, और उन्होंने तो पास बैठे दम करती रही, वो काफ़ी ज़्यादा, आपको पता है जो बड़े होते हैं वो फिर पास बैठ के काफ़ी ज़्यादा पढ़ते रहते हैं, दम करते रहते हैं। मेरी बहन भी आई है मेरे पास अभी इस टाइम पर, क्योंकि उनको इवन आपने देखा जब मेरा ऑपरेट हुआ था, मोहम्मद था, तो जब भी मेरे फैमिली में से कोई नहीं आया था, लेकिन इस दफ़ा इतनी कोई हालत मेरी ख़राब हो गई थी ना कि उनको भी पता चल गया था कि नूरीन को अब हमारी ज़रूरत है, तो वो फिर फ़ौरन से मेरे भाई ने उनको, अम्मी को और मेरी बहन को फ़ौरन से वहाँ से भेजा था। तो बस अभी आप देख सकते हैं कि पुलाव भी हमारा रेडी हो गया था बनके, कबाब भी बनके रेडी हो गए थे, रायता भी मैंने जल्दी से बना लिया था। और आज की जो वॉइस ओवर है मुझे नहीं पता कि वो सही हुई है कि नहीं, काफ़ी दिन बाद मैंने अपना दोबारा से स्टार्ट किया, तो मुझे थोड़ा अजीब भी लग रहा है वॉइस ओवर करते हुए, लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो बिल्कुल मैं अपनी रूटीन में आ जाऊंगी, और मुझे मतलब कि उस तरह से जैसे अभी फ़िलहाल फ़ील हो रहा है कि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ या कैमरा उठा रही हूँ, तो मुझे बहुत अजीब सा फ़ील हो रहा है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप बीफ यखनी पुलाव की जो रेसिपी है, वो शक्ल है जो उसकी पुलाव की, वो कैसी लग रही है कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। तो ये वाला जो मेरा ब्लॉग आप लोगों ने देखा है, ये उस टाइम का था जब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी और मैं बिल्कुल मतलब कि सेहतमंद थी, और जब मैं अभी ये ब्लॉग एडिट कर रही थी, मैं वॉइस ओवर कर रही थी, आप बिलीव करें कि मुझे थोड़ा सा मतलब कि रोना भी आ रहा था, और मैं ये सोच रही थी कि सेहत जो है वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। जब हम बिल्कुल ठीक होते हैं, सेहतमंद होते हैं एकदम, हमें किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, तो हम अपनी एक जो दुनियावी जो लाइफ होती है ना उसमें इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं सब कुछ ना। लेकिन जब मैं बीमार थी, अभी ये जो मेरे 10 से 15 दिन गुजरे हैं या 20 दिन गुजरे हैं, मुझे पता है कि आप यकीन करेंगे कि ये बेड और मैं थी, और मतलब कि मुझे जिस तरह से बुखार हो जाता था ना, एकदम बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब होती थी, और मुझे कभी मैं इस बेड पे, कभी मैं इस सोफे पे, कभी मैं उस सोफे पे, या कभी बाहर सहन में, कभी हाल में, कभी कहीं, मैं घर के हर एक कोने में जाती थी कि किसी कोने में मुझे ना सुकून मिल जाए, तो मुझे घर के किसी कोने में भी सुकून नहीं मिलता था। तो मैं बहुत ज़्यादा जो है ना वो थोड़ी सी मतलब परेशान हो जाती थी, और फिर मैं यही सोचती थी कि या अल्लाह पाक, मतलब कि जो एक सेहत है ना वो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, बस अल्लाह ताला हर किसी को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए, आमीन। और कुछ कमेंट्स थे जो कि मुझे रीड करने थे आप लोगों के, तो मैं सोच रही थी कि आज के व्लॉग में मैं वो कमेंट्स भी आप सबके रीड करूंगी, और आप सबने बहुत सारे कमेंट्स किए बकायदा, मुझे अभी भी डेली कोई ना कोई कमेंट जरूर आता है कि नूरीन आप कहाँ पे हैं, कहाँ हैं आप, खैरियत से हैं, आपका व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, आप ठीक तो हैं, आपके बच्चे ठीक हैं, घर में सब ठीक है। तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है मुझे जब आप लोगों के इस तरह के इतने सारे कमेंट्स आते हैं बकायदा, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, मुझे जिनके पास मेरे नंबर हैं वो सब मुझे मैसेजेस करके पूछ रहे होते हैं कि नूरीन आप कहाँ पे हैं, व्लॉग कब आएगा, कब नहीं आएगा। तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी जो है आप लोगों ने मेरी हालत इस टाइम पे इग्नोर कर देनी है, क्योंकि जिस तरह से मैं इतनी ज़्यादा बीमार हो के उठी हूँ ना, तो आप बिलीव करें कि मेरी अभी तो ये जो व्लॉग आपने देखा है ना, इसको मुझे एडिट करने में भी तकरीबन 3 से 4 दिन लग गए हैं, और डेली जो है मैं सोचती थी कि आज व्लॉग अपलोड कर दूंगी, आज व्लॉग अपलोड कर दूंगी, लेकिन यकीन करें कि मोबाइल का जो वजन है ना वो भी इतना ज्यादा मुझे लग रहा था कि बिल्कुल मुझे इतना लग रहा था कि मैं मतलब कि मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं कुछ भी करूं, मैं मुझे इतना लगता था कि अब मैं कभी बोल नहीं सकूंगी, या मैं कभी मोबाइल नहीं उठा सकती, या मैं कुछ कर नहीं सकती। मोहम्मद को मैंने पूरे 10 दिन मैंने नहीं उठाया था, मेरी इतनी हालत खराब थी कि मैंने उसे अपने आप से उसको थोड़ा दूर रखा है, और मुझे 10 दिन बाद इस तरह फील होने लगा कि मोहम्मद जैसे मुझे भूलता जा रहा है, और मैं उसको बुलाती थी या मैं कुछ इस तरह, तो वो मुझे इग्नोर करने लग गया था। तो मैं इतनी परेशान हो गई थी कहीं ये मुझे भूल ना जाए कि मतलब कि होता ही ना आपको कि जब बच्चा माँ से या बाप से दूर रहता है तो फिर वो उसको भूलने लग जाता है। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि बिल्कुल ठीक है आपकी नूरीन, इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि रेगुलर व्लॉग्स अपलोड करती रहूं। आप लोगों ने बस मेरा साथ देते रहना, इसी तरह से मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। कम्युनिटी पे मैंने जो पोस्ट लगाई थी एक, और उसमें मैंने यही आप लोगों को लिखा था कि अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मतलब 104 मुझे उस टाइम पे बुखार था, और मैंने कहा था प्लीज प्रे फॉर मी, अल्लाह हाफिज। ये भी मैंने बहुत मुश्किल से लिखा था, और फिर लिखने के बाद मैंने साथ ही अल्लाह हाफिज भी कर दिया था, क्योंकि मुझे नहीं था पता कि आज के बाद अब मैं कब वापस आऊंगी और कब मैं आप लोगों के साथ मिलूंगी, कब मैं आप लोगों के साथ मतलब कि अपनी जो भी चीजें हैं वो सब शेयर करूंगी।
खैर नज़र जो है ना वो पहले मैं यही सोचती थी कि नहीं लगती यार नज़र, आप सब प्यार करने वाले हैं, आप लोग इतनी दुआएं देते हैं, मोहम्मद को इतनी दुआएं देते हैं या जो भी है, लेकिन नज़र वाकई में लगती है जब इसका जिक्र कुरान पाक में है, तो हम लोग इस चीज़ को मतलब इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और आप मतलब कि मुझे इस तरह फील होता है कि यार आप लोग भी शायद आप में से बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट्स भी करेंगे कि नोरेन किस चीज़ को नज़र लगनी थी या ये वो होता ही है ना कुछ ऐसी चीज़ें, लेकिन मैंने ये पढ़ा था और मैंने YouTube पे भी सुना था, TikTok पे भी सुना था, जब आपको नज़र या हसद की जो निशानियां होती है, मतलब जब आपको नज़रें बद लगती है या फिर कोई आपसे हसद करता है, तो आपको जो तकलीफ होती है, जो पेन होती है ना, वो कमर की जो रीढ़ की हड्डी है ना, वहां से वो दर्द स्टार्ट होती है, और आपके कंधे और इस तरह सर भारी होना और आपकी तबीयत अजीब सा होना, ये सब चीज़ें मैंने जब उस पर पढ़ी और सुनी थी, तो उसके बाद मुझे जो रीढ़ की हड्डी से दर्द स्टार्ट होता था ना, आप यकीन करें कि वो दर्द मेरे पूरे जिस्म में फैलता था। उसके बाद मुझे एकदम ठंड लगती थी पूरे जिस्म में, बहुत ज्यादा इतनी सर्दी लगती थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। बकायदा मेरे बच्चे कभी मैं जब ठीक हो जाती थी, वो हंसते थे, कहते थे मामा जून जुलाई में ना सर्दियों के मजे ले रही है, इतनी ठंड लगती है मामा को, मामा ऊपर ब्लैंकेट ले लेती है फिर भी कहती मुझे सर्दी लग रही है, तो मुझे इतना ठंड लगती थी। तो खैर फिर उसके बाद मुझे बुखार हो जाता था बहुत तेज, इतना तेज बुखार होता था कि मेरा जिस्म बिल्कुल इतना आग की तरह जो है ना वो जलता था। तो खैर फौरन से अगर हॉस्पिटल जाते थे, वो ड्रिप लगाते थे, उसी टाइम वो बुखार तो नॉर्मल हो जाता था। मैं डॉक्टर्स को बार बार एक ही बात करती थी कि मेरी रीढ़ की हड्डी में मुझे बहुत ज्यादा पेन होता है, तो वो ये कहते थे वीकनेस है, कमजोरी हो गई है, इस तरह से वो सब चीजें बोलते थे। लेकिन जिस दिन मैंने पानी वो दम किया हुआ पिया ना, तो आप यकीन करें कि मुझे इतना इस चीज़ पे यकीन हुआ है कि वाकई में नज़र लगती है। और जब मैंने वो दम किया हुआ पानी पिया था, आप यकीन करें सबसे पहली मेरी जो दर्द खत्म हुई थी वो रीढ़ की हड्डी जो थी ना उसकी दर्द खत्म हुई थी। उसके बाद फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता बुखार, तो मुझे फिर भी 104 तक जा रहा था, लेकिन मुझे पता ही नहीं चलता था कि मुझे 104 बुखार है, मैं बिल्कुल नॉर्मल रहती थी घर में। तो है ये सारी चीज़ें होती थी, हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मैं जब बहुत ज़्यादा बीमार थी, मैं जब भी अल्लाह से ही हमेशा मदद मांगती थी, और मैं अल्लाह ताला को एक ही बात करती थी, या अल्लाह तेरे सिवा कोई भी नहीं जो मुझे ठीक कर सकता है, या अल्लाह पाक तू ही है जो मुझे सेहत देगा। और मुझे इस तरह लगता है कि यकीन करें कि ये जो पांचवा जो मेरा ऑपरेशन था ना, उसके बाद जो मैं इस बीमारी से गुजरी हूँ, मुझे इस तरह लगता है कि मैं मौत के मुंह से बाहर आई हूँ। मुझे फिफ्थ पीरियड में इतनी तकलीफ नहीं हुई थी, मैं इतनी दिन बेड पे नहीं रही थी, मैं इतनी पेन में नहीं थी जितनी मैं इन दिनों में पेन में रही हूँ। और मैं बकायदा आपको शायद मेरी शक्ल से भी लगेगा कि नोरीन वाकई में, आप लोग कमेंट्स करने वाले हैं कि नोरीन तुम्हारी शक्ल से लग रहा है कि तुम कितनी बीमार हो के हटी हो। खैर अब ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है, तो मैंने आप लोगों के कमेंट्स रीड करने थे, तो मैं बल्कि खोल के बैठी हुई हूँ, ये सारे आप लोगों के कमेंट्स थे जो कि मुझे आए थे। तो मैं कह रही थी कि ये सारे जो हैं वो मैं करूँगी, मतलब कि आप लोगों के नाम लूँगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं इस ब्लॉग में नहीं ले सकती, ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है। तो मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट ब्लॉग में ना मैं सबसे पहले ये सब आपके जो कमेंट्स थे जो कि मेरी कम्युनिटी पे आए थे वो सब मैं आप लोगों के उनके नाम लूंगी, फिर उसके बाद मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करूंगी। तो है मैं ये ब्लॉग बस मैं इन्हीं नाम से एंड करना चाह रही थी, लेकिन मैं नहीं कर पाई उसके लिए, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा हो गया, बातें भी बहुत सारी थी, इतने दिन से आप लोगों से दूर थी और बहुत कुछ था कि आपके साथ शेयर करूं। अभी भी मैं उस तरह से नहीं कर पाई, यकीन करें कि मैं बकायदा कभी कभी अकेले बैठती हूँ तो मैं रोना शुरू हो जाती हूँ कि मैं जिस तकलीफ से इस टाइम हटी हूँ, मेरा पूरा घर बीमार था, यकीन करें पूरा घर तकलीफ में था, इतनी ज़्यादा तकलीफ में था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आसिफ भी बीमार हो गए थे, बच्चे वो सारे बीमार थे, मैं भी बीमार थी, इस तरह लगता था कि एकदम ना जैसे हमारे घर में कोई हमला हुआ है, तो हर मतलब कि एक बीमार हो रहा है तो दूसरा हो रहा है, फिर तीसरा हो रहा है, फिर चौथा हो रहा है, मतलब इस तरह की चीज़ें चल रही थी। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि सब ठीक है, अब मतलब कि सारा घर नॉर्मल हो चुका है, अल्लाह का शुक्र है कि सब ठीक ठाक है, खैरियत है। अभी इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि मैं डेली ब्लॉग्स अपलोड करूँ, आप लोग मेरे ब्लॉग्स का बकायदा इंतजार कर रहे होते हैं, आप लोग मुझे कमेंट्स कर रहे होते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ भी होती है कि यार जब आपके कमेंट्स आते हैं मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाती हूँ, लेकिन अल्लाह करेगा इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इतनी हिम्मत आ गई है कि मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके साथ ब्लॉग्स अपलोड करूँ। तो इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक जो करिएगा नहीं आएंगे, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और बस दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।